नमस्कार, मेरा नाम सलोनी जैन है और आज जहाँ मैं खड़ी हूँ जिस मंच पे कुछ खास, तो वो वाकई में आज बहुत खास है। और आज की शुरुआत मैं सिर्फ दो लाइन से करना चाहूँगी और उस लाइन का है कि बहुत प्रैक्टिकल लिखी है, बिंदु से गुजरे तो लकीर कहते हैं, बिंदु से गुजरे तो लकीर कहते हैं और हाथ से गुजरे तो उसे तकदीर कहते हैं। अगर कह देने से हर दर्द कम हो जाए, अगर कह देने से हर दर्द कम हो जाए तो क्यों कोई अपना दर्द छुपाए, अगर कह देने से दर्द कम हो जाए तो क्यों कोई अपना दर्द छुपाए, अगर दुनिया से दूर जाकर शाम मिल जाए। कहते हैं ना कि मरने के बाद भगवान के पास जाते हैं, पर अगर दुनिया से दूर जाके शाम मिल जाए तो क्यों कोई मीरा बन जाए। मीरा ने ज़मीन पे ही उतार लिया था कृष्ण को, तो वो प्यार ही था जिसकी वजह से वो यहाँ आ गए थे। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही भगवान मिलते हैं। तो अगर दुनिया से दूर जाके शाम मिल जाए तो क्यों कोई मीरा बन जाए, अगर ख्वाब देखने से ही पूरे हो जाए, अगर ख्वाब देखने से ही पूरे हो जाए तो क्यों कोई मेहनत कर जाए, अगर लिखने से दर्द मिट जाए, अगर किताबें लिखने से दर्द मिट जाए तो क्यों कोई महफिलों में अपना दर्द सुनाए, अगर कह देने से दर्द कम हो जाए तो क्यों कोई दर्द अपना सुनाए। थैंक यू। ये मैं रिपीट कर दूँ, ये सही से बोली नहीं है, कर दूँ। दर्द कम होता जा रहा है, अगर कह देने से हर दर्द कम हो जाए, अगर कह देने से हर दर्द कम हो जाए तो क्यों कोई अपना दर्द छुपाए, अगर दुनिया से दूर जाके शाम मिल जाए, अगर दुनिया से दूर जाके शाम मिल जाए तो क्यों कोई मीरा बन जाए, अगर ख्वाब देखने से ही पूरे हो जाए, अगर ख्वाब देखने से ही पूरे हो जाए तो क्यों कोई मेहनत कर जाए, अगर लिखने से दर्द मिट जाए, अगर लिखने से दर्द मिट जाए तो क्यों कोई महफिलों में अपने दर्द सुनाए, अगर कह देने से हर दर्द कम हो जाए तो क्यों कोई अपने दर्द को छुपाए। थैंक यू। स्याही पन्नों पर कैसे करूं, स्याही पन्नों पर कैसे करूं, कोई बताता नहीं है, दर्द अपने कैसे छुपाऊं, कोई समझाता नहीं है, यूं तो जी ली जिंदगी यूं ही जीकर, यूं तो जी ली जिंदगी यूं ही जीकर, पर जो मेरी जिंदगी है वही बताता नहीं है कि स्याही पन्नों पर कैसे करूं, कोई बताता नहीं है। शुक्रिया। सब मशरूफ है प्यार में उसके, सब मशरूफ है प्यार में उसके, जो है उसे बताता नहीं है, खामोश इतना तो नहीं यादों में उसकी, खामोश इतना तो नहीं यादों में उसकी कि बातें भी अब उसकी बताता नहीं है, दर्द दे गया जिंदगी भर का कोई, दर्द दे गया जिंदगी भर का कोई, ये अपने हिस्से का था जो दिखाता नहीं है, स्याही पन्नों पर कैसे करूं कोई बताता नहीं है। शुक्रिया। बस ये दो लाइनें और आपके सामने रखना चाहूँगी और उसके बाद विराम दूंगी। लोग ज्ञान तो देते हैं पर उसमें अमल नहीं कर पाते, तो मैंने उसी के ऊपर लिखा था, खाने से पहले सूंघना ज़रूरी, खाने से पहले सूंघना ज़रूरी, चाहने से पहले देखना ज़रूरी। लोग कहते हैं अच्छे घर का होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अच्छा होना चाहिए। खाने से पहले सूंघना ज़रूरी, चाहने से पहले देखना ज़रूरी, पर लोगों को ये पता नहीं कि बोलने से पहले सोचना ज़रूरी।